हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका पंवार आपके न्यू लेक्चर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर द बीएससी फर्स्ट ईयर। और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे दैट वॉट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड मे बी डिफाइन एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अ हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, ये और साथ में एक हाइड्रोजन का अणु, यानी एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और एक हाइड्रोजन का अणु, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन अ वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दैम। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स हमने देखा है कि जो नेगेटिव एंड होता है एक मॉलिक्यूल का, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव मॉलिक्यूल इसमें लिए जाते हैं, उनका जो नेगेटिव एंड होता है वह हाइड्रोजन के पॉजिटिव एंड को हाईली अट्रैक्ट करता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबने देखा होगा कि सिंपल जो बॉन्ड होते हैं वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सॉरी डॉटेड लाइन से। और इसका एग्जांपल देखते हैं, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल यानी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो किस तरह से है। हाइड्रोजन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन जिस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें दिखाया गया है ना डॉटेड लाइन से, इसको आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर वन, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लिंक्ड टू द हाइड्रोजन एटम। यानी इसमें क्या होना चाहिए, एक जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो किससे लिंक्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम से। नंबर टू, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। यानी जो भी हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेंगे उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज़ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने में सहायक होता है। अगर साइज़ थोड़ा भी बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन होगी। दस, ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स कैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज दीज एटम्स आर स्मॉल इन साइज एंड हैव हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ हाइड्रोजन एटम लिंक्स विद टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स साइमल्टेनियसली। यानी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड दो एटम से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो, एक तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यानी जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी दो बॉन्ड बनते हैं, हैंस इट इज़ सेड टू फॉर्म अ हाइड्रोजन ब्रिज। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। नंबर टू जो पॉइंट है वो है, क्लोरीन हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज दैट ऑफ नाइट्रोजन बट इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ये हम पहले भी डिस्कस किया था जब कंडीशंस पढ़ी थी, कि एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होनी चाहिए, दूसरा साइज भी स्मॉल होना चाहिए। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो होती है हाई, बट उसका साइज स्मॉल नहीं है, दैट्स वाई क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और नाइट्रोजन बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। यानी किसी भी एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा,
और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा बनेगा, तो इसलिए स्ट्रेंथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा ही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज़ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सेकेंड वन इज़ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? लेट्स सी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, इट इज़ कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल HF, H2O, NH3, etc. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस इसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अलग अलग, तो होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स जो, यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड सैलिसिलिक एसिड ETC। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो हम देखते हैं कि क्या है। द मॉलिक्यूल कंटेन्स टू ग्रुप्स सच दैट वन ग्रुप कंटेन्स हाइड्रोजन एटम एंड अदर कंटेन अ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये तो हमने पहले पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लिंक्ड हो, और एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यानी वो इसमें इसकी कंडीशन में आएगा। नंबर दो है द मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, प्लानर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर अ 5 or 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एरोमेटिक या रिंग क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स में होती है, तो वो रिंग 5 or 6 मेंबर्ड होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तभी उसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला है, अगर हम उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कंपैरिजन करें, सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नंबर दो, इफ़ एनी कंपाउंड इज़ एबल टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, देन इट इज़ सेड दैट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अगर, क्योंकि हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन भी होता है जो ऑक्सीजन से लिंक्ड होता है, और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और साथ के साथ उसका साइज भी स्मॉल है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह वाटर में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वॉलेटाइल नेचर के बारे में। द वॉलेटाइल नेचर ऑफ एनी कंपाउंड इंक्रीजेज ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिक्रीजेज ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा यानी विद इन अ मॉलिक्यूल, तो उसका वॉलेटाइल नेचर बढ़ जाता है। यानी वॉलेटाइल नेचर से क्या मीनिंग है, यानी गर्म करने पर वेपर में कन्वर्ट जल्दी हो जाता है। दूसरे, अगर उसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका वॉलेटाइल नेचर डिक्रीज होता है, यानी वह काफ़ी देर में वेपर में कन्वर्ट होता है कंपैरेटिवली इंट्रा मॉलिकुलर बॉन्डिंग के।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।